कल हमने किया था 7D अप टू क्वेश्चन नंबर 21। 22 क्वेश्चन आपको अपने आप करना था, या 22 मैं कराता हूँ, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, पी स्क्वायर माइनस 4p माइनस 77 माइनस 4p माइनस 77। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 4p माइनस 77, ये क्या है, प्रोडक्ट है। चलो वही जैसे कल बताया था, पहले लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, ये वाला माइनस बीच में आएगा, यही माइनस यहाँ पे आएगा, तो 77। अब दो वैल्यू ऐसी लेनी है जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो आए 77 और माइनस करने पे आए 4, तो 11 7 जा 77, तो 11p माइनस 7p। देखो 11p माइनस 7p कितने p, 4p है ना, वही तो बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 11p प्लस 7p माइनस 77। ठीक है, दोनों में से पी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, पी माइनस 11, इसमें से प्लस 7 कॉमन आएगा, यहाँ भी बचेगा पी माइनस 11। ठीक है, यहाँ भी पी माइनस 11 है, यहाँ भी पी माइनस 11 है, तो पी माइनस 11 और पी प्लस 7। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, ऐसा ही है, हम करेंगे 24। 24 में क्या है देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन में है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस 42। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस एज इट इज़ ब्रैकेट माइनस माइनस 42। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो प्रोडक्ट है और ये क्या है, डिफरेंस। ऐसी दो वैल्यू लेनी है जिनका प्रोडक्ट तो आए 42 और डिफरेंस आए 11। 42 और 14 माइनस 3 11, तो 14x और 3x। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, 14x प्लस 3x माइनस 42। ठीक है, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 14 प्लस 3 कॉमन आएगा, x माइनस 14। ठीक है, x माइनस 14 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा इस वाले में और इसमें बचेगा 3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। 25 आपको करना है, 26 मैं करा देता हूँ, y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 135। सेम है बिल्कुल, वही करना है, y स्क्वायर माइनस एज इट इज ब्रैकेट माइनस 135। ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 135, और डिफरेंस क्या आना चाहिए, 6। 135 थोड़ा सा बड़ा है ना वैल्यू, तो क्या करते हैं इसका वो कर लेते हैं, 135 के फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 135 के फैक्टर 5 2 7 3 9 3 3 3। ठीक है, अब हमारे पास इनकी वैल्यू आ गई 5 3 3 और 9, इनमें से ही करेंगे जो भी करना है हमें। 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9। 15 माइनस 9 6। हाँ देखो 15 9 जा, तो 15y माइनस 9y, 15 9 जा 135 और 15 माइनस 9 6। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 15y, साइन चेंज होंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस था, 9y माइनस 135। ठीक है, y कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, y माइनस 15 प्लस 9 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, y माइनस 15। ठीक है, y माइनस 15 कॉमन आएगा, क्या बचेगा, y प्लस 9। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। 27 भी ऐसे ही है, 28 भी ऐसे ही है। ठीक है, 28 करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, 28 में x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। हाँ,
तो इसको तो जल्दी करा दो थोड़ा सा, माइनस माइनस 12, 6x माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12, एक्स कॉमन आ जाएगा x माइनस 6 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा x माइनस 6, एक्स माइनस 6 कॉमन आ जाएगा x प्लस 2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्या है 29 क्वेश्चन? 29 क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस प्लस 10x प्लस 10x प्लस 8, सारे प्लस के हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ अलग दिखाई दे रहा है आपको? देख लो ध्यान से, 28 में क्या था? 28 था हमारा, लिख लेता हूँ 28 भी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा है कुछ क्वेश्चंस में? नहीं दिख रहा ना, पता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आप सोच रहे होंगे इसमें प्लस है इसमें माइनस है ना? नहीं, इनमें सब में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ऐसे ही आती थी जिसके साथ में कोई भी वैल्यू नहीं होती थी। इसमें क्या है? इसमें एक वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आ गई तो इसका कुछ ना कुछ वर्क होगा। ठीक है, वर्क क्या होगा वो अब समझाता हूँ मैं। हम प्रोडक्ट किसको बोलते थे? इसको बोलते थे ना प्रोडक्ट। अब इसको प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट को प्रोडक्ट बोलेंगे। 8 3 24, तो प्रोडक्ट तो आना चाहिए 24। इसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट में करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई हम तब भी कर रहे थे, यहाँ 1 था यहाँ पर 12 था, 12 1 12, तो प्रोडक्ट हम क्या बोलते थे? 12 बोलते थे। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हुआ? 8 3 24, इसके कोफिशेंट के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो तो होगा प्रोडक्ट, बाकी बिल्कुल सेम होगा। और सम करने पर क्या आना चाहिए? 10 3 एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट एज इट इज प्लस प्लस 8। ठीक है, तो प्रोडक्ट तो क्या आना चाहिए? 24, और सम क्या आना चाहिए? 10। तो 6 4 जो 12, 6x और 4x, तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 8। ठीक है, आप देखो 3x स्क्वायर और 6x क्या क्या कॉमन आ सकता है? दोनों में x है, x भी आ जाएगा कॉमन। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है? 6। 6 में 3 होता है? हाँ होता है, 6 भी 3 से डिवाइड हो जाता है। तो एक तो 3 कॉमन आ जाएगा और एक x कॉमन आ जाएगा। यहाँ 3 भी गया, एक x गया, एक x बचा, प्लस 6 में से 3 चला गया, क्या बचा? 2। कॉमन लेते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड। 6 में से 3 अगर कॉमन लेंगे तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 2। x तो बाहर चला गया। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है? प्लस के 4। यहाँ क्या बचा? x प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा? 4 2 जा 8, 2 आ जाएगा। ठीक है, x प्लस 2 और 3x प्लस 4। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। अब सारे क्वेश्चन आगे ऐसे ही हैं, 30 भी ऐसे ही है। अब हम करते हैं 31, 3z स्क्वायर 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 3z स्क्वायर माइनस 10z प्लस 8। ठीक है, सेम क्वेश्चन है जैसे ऊपर था। देखो यहाँ भी कोफिशेंट है, तो 8 3 जा 24, तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए हमारा? 24, और सम क्या होना चाहिए? 10। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, यही वाला 3z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 4z प्लस 8। ठीक है, उसमें दोनों प्लस के थे, इसमें एक माइनस का है। ठीक है, चलो 3z स्क्वायर, अब माइनस है तो ब्रैकेट के साथ चेंज होंगे, 6z माइनस 4z प्लस 8। ठीक है, क्या क्या कॉमन आ रहा है? 6 भी कॉमन आ रहा है और z भी कॉमन आ रहा है, सॉरी 3 भी कॉमन आ रहा है और z भी कॉमन आ रहा है। तो 3z कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचा? 3 गया, 2z है, 1z गया, 1z बचा, माइनस 6 में से 3 गया। 6 होता क्या है? 6 होता है 2 3 जा, जब उसमें से 2 × 3 होता है, तो 3 गया तो क्या बचा? 2, और z तो चला ही गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? माइनस 4। फर्स्ट वैल्यू अगर प्लस की होती है तो प्लस का कॉम 4 कॉमन आता है, ये माइनस का है तो माइनस का 4 कॉमन आएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा? z, और जब माइनस की वैल्यू कॉमन लेते हैं तो ये वाला साइन क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है, 4 कॉमन लिया, सॉरी, तो 8 में से 4 कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 2। देखो ये दोनों सेम आते हैं, तो z माइनस 2 कॉमन दोनों में से, क्या बचा? यहाँ बचा 3z
इस वाले में से क्या बचे, इस टर्म में से माइनस फोर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या है, 33 है 6p² प्लस 11p माइनस 10, सेम है। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 10 या 60, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट है तो उसकी मल्टीप्लाई जरूरी है, उसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमें प्रोडक्ट पता चलेगा। तो 6p² प्लस एज इट इज ब्रैकेट माइनस 10, तो 60 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और डिफरेंस क्या होना चाहिए 11। कैसे, 15 माइनस माइनस है ना, यहाँ भी माइनस 4p, बाहर प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। 6p² प्लस 15p माइनस 4p माइनस 10, कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है 6 में और 15 में, ऐसी वैल्यू जो दोनों को डिवाइड कर दे 3, तो 3p है दोनों में, 3p कॉमन आ जाएगा। 6 में से 3 जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2, पी में से स्क्वायर में से p गया 1p बचा, प्लस पी तो चला गया, 15 में से 3 गया तो क्या बचा 5। ठीक है, माइनस इसमें से 4 में से और 10 में कुछ कॉमन है तो 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2p प्लस 5, यहाँ माइनस था, क्यों हुआ ये प्लस, क्योंकि हमने माइनस का 2 कॉमन लिया, तो ये आ जाएगा 2p प्लस 5 कॉमन 3p माइनस 2। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, 35 में क्या है, 35 है 7y² माइनस 19y माइनस 6। ठीक है, तो 7 6 42, तो प्रोडक्ट तो आना चाहिए 42, और डिफरेंस क्या आना चाहिए 19। 7 6 42 14 42, 21 2 42, और 21 - 2 19। ठीक है, 7y² माइनस एज इट इज 21y और 2y माइनस 6 एज इट इज, माइनस है तो साइन चेंज होंगे, 7y² माइनस 21y प्लस 2y माइनस 6, 7y कॉमन आएगा, 7 गया y गया 1y बचा, माइनस का माइनस ही रहेगा क्योंकि माइनस का तो साइन नहीं आया कॉमन, अगर यहाँ भी माइनस कॉमन लेते तो यहाँ प्लस हो जाता। ठीक है, अब 21 में से 7 गए, गए का मतलब 7 से डिवाइड किया तो क्या बचेगा 3। ठीक है, यहाँ दोनों में प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा, प्लस का लिया तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, वाई माइनस 3। ठीक है, तो वाई माइनस 3 और 7y प्लस 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 140, और ये वैल्यू किसकी हमारी, हाँ ये वाला, माइनस करने पर क्या आना चाहिए 31 140 35 फोर जा, हाँ चलो 28 माइनस एज इट इज माइनस माइनस 5x². ठीक है, माइनस करने पे क्या आना चाहिए 31। अब ये तब ये वाला साइन देख रहे थे, अब ये वाला साइन देखेंगे। ठीक है, तो 35x और 4x। ठीक है, चलो तो 28 माइनस 35x प्लस 4x माइनस 5x². ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 28 और 35 दोनों 7 के टेबल में आते हैं तो 7 कॉमन आ जाएगा, 4 माइनस 5x इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है देखो, तो प्लस के x कॉमन आ जाएंगे तो क्या बचेगा 4 माइनस 5x। ठीक है, तो 4 माइनस 5x और 7 प्लस, ठीक है ये थोड़ा कच्चा पचका आया होगा आपके दिमाग में। ठीक है, 37 कराता हूँ वो अच्छे से समझ में आएगा। 37 देखो,
थ्री प्लस 23z माइनस 8z स्क्वायर, 8 3 24, तो प्रोडक्ट तो आना चाहिए 24, ठीक है, और माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 23 आना चाहिए, तो 3 प्लस माइनस एज इट इज माइनस 8z स्क्वायर। तो जो साइन है ना, ये वाला जो साइन है, यही साइन हमेशा ब्रैकेट में आएगा बीच में, यहाँ माइनस था ब्रैकेट में, हमने बीच में क्या लिया, माइनस लिया, ठीक है। तो ऐसी दो वैल्यू जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो 24 आए, और माइनस करने पर आए 23, 24 बन जाए 24 और 24 माइनस 1 23, ठीक है, तो 24z माइनस 1z या खाली z भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, 3 प्लस 24z माइनस z माइनस 8z स्क्वायर, 3 कॉमन लेंगे, देखो 3 कॉमन ले लिया हमने इन दोनों में से, यहाँ तो 3 गया, यहाँ क्या बचा, है ना, जब 3 चला गया तो क्या बचा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, नहीं, जब कॉमन लेते हैं तो अगर वहाँ पर कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है, 1 बचता है, तो 3 की जगह तो बच जाएगा 1 प्लस 24, 3 8 जा 24, तो 8 बचा, जेड हमने नहीं लिया, यहीं आ जाएगा, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा दोनों में से, दोनों में से यहाँ कॉमन आ रहा है, यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है, माइनस जेड, फिर वही बात आपके मन में आ रही होगी, जेड इधर चला गया तो क्या बचा, इसकी जगह क्या बचेगा, 1, और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस जेड कॉमन लिया हमने, ठीक है, 8z, ठीक है, तो 1 प्लस 8z और 3 माइनस z, ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26, 3m स्क्वायर प्लस 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 36, 18 6 है 108 और 18 प्लस 6 24, तो 18m 6m 3m स्क्वायर प्लस 18m प्लस 6m प्लस 36, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है क्योंकि 3 इसके भी टेबल में आता है, ये भी 3 के टेबल में आता है और ये भी 3 के टेबल में आता है, तो 3 कॉमन आ गया, दोनों तरह साइड m भी है, m भी कॉमन आ गया, 3 गया, 1 बचा वहाँ पर, 1 को लिखने के नहीं, m यहाँ 1m भी लिख सकते हैं क्योंकि 3 की जगह 1 बचा, बट 1 को साथ में लिखते नहीं, अगर कोई वैल्यू नहीं हो तो लिख देते हैं, ठीक है, प्लस 18 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 6, ठीक है, m तो बाहर चला गया, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 6, क्या बचेगा, m प्लस 6, तो m प्लस 6 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3m प्लस 6, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा कराऊँ, 41, चलो 41 कर लेते हैं, 41 में क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 3, ठीक है, फिर से वही 3 6 18, तो मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए और माइनस करने पे 17 आना चाहिए, तो 18 बन जा 18, 18 माइनस 1 17, ठीक है, तो 6x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट वही माइनस का माइनस, ये दोनों साइन सेम हो रहते हैं हमेशा, देखो इनमें भी ये दोनों साइन सेम है हमेशा, ये दोनों साइन, एक ब्रैकेट वाला और एक थर्ड टर्म का जो साइन होता है, चाहे थर्ड टर्म की जगह फर्स्ट टर्म ही क्यों ना लिखी हुई हो, तो 18x माइनस x, तो 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस x माइनस 3, 6x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x माइनस 3 प्लस 1, देखो यहाँ से कुछ नहीं कॉमन आ रहा ना, यहाँ पे क्या है x और कुछ नहीं है ना, यहाँ पे क्या है 3 और कुछ नहीं है, जहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता, हमें कॉमन तो लेना है इन दोनों में से ज़रूर, क्योंकि हमें वो बनानी है इस तरह की इक्वेशन, कुछ ना कुछ तो कॉमन लेना ही होता है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 हर जगह होता है, 3 1 जा 3, यहाँ भी 1 है और 1x, कितने x है, 1x, तो 1 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी 1 कॉमन लेंगे, तो x माइनस 3, ठीक है, बट अगर माइनस के 1 कॉमन लेते तो ये साइन भी चेंज होता, फिर आई बात समझ में, 6x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 6x प्लस 1, ठीक है, देखो कहीं पे लिखा हुआ है x प्लस 7, इसमें तो कुछ कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते ना, बट ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 1 बाहर लिख के x प्लस 7 लिख सकते हैं, ठीक है, या कहीं पे अगर ये तो प्लस में है, अगर लिखा हुआ है माइनस x प्लस 7, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर हमें लेना ही लेना है कॉमन,
तो क्या लेंगे, माइनस वन कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा एक्स माइनस सेवन, माइनस एक्स माइनस सेवन, माइनस वन कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स प्लस सेवन। 36 देखो ध्यान से देखो भाई, 36 क्वेश्चन एक बार फिर से करा रहा हूँ आपको। 28 माइनस 31 एक्स माइनस 5 एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सेम पहले की तरह ही करना है, वैल्यू तो चेंज हुई है बट मल्टीप्लाई फिर भी हम वही करेंगे। 5 की 28 में करेंगे क्या आएगा 140, तो प्रोडक्ट तो आना चाहिए 140, और यही वाला साइन देखेंगे डिफरेंस क्या आना चाहिए 31, तो 28 एज इट इज़ साइन एज इट इज़, बीच वाली वैल्यू का क्या बनाते हैं ब्रैकेट, लास्ट वाली वैल्यू का जो साइन होता है वही हम कहाँ लिखते हैं ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है 140 मल्टीप्लाई करके 140 आना चाहिए और माइनस करके क्या आना चाहिए 31, तो 35x 4x, ठीक है 28 माइनस 35x प्लस 4x माइनस 5x स्क्वायर, इन दोनों से क्या कॉमन आ जाए 28 और 35 किसके टेबल में आते हैं 7 के टेबल में आते हैं, दोनों 7 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 4 माइनस 5x, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, क्या कॉमन आ रहा है ओनली x कॉमन आएगा, क्या बचेगा 4 माइनस 5x स्क्वायर का x रह जाएगा, तो 4 माइनस 5x और 7 प्लस x, ठीक है ये था आपका चैप्टर 7 जो आज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है चलो ये करके देखना आप सभी क्वेश्चन।